किस तरह से परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, किन परिस्थितियों को सहते हुए उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। यहां तक भाइयों बहुत छुआछूत मनाते थे लोग उनके साथ में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर हिम्मत नहीं हारे, मेहनत करके पढ़ाई करते गए, संघर्ष करते गए लोगों, यहां तक माता रमाबाई जैसी जीवन संगिनी बाबा साहब के साथ में आई, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई करना नहीं बंद किया। क्यों? उनको शिक्षा की ताकत पता है, उन्हें शिक्षा की कीमत पता है, उनको पता है कि शिक्षा अगर ऐसी वैसी वस्तु होती, शिक्षा की ताकत भीमराव अंबेडकर को उसी दिन मालूम पड़ गई थी जिस दिन अध्यापक ने स्कूल से भगा दिया था और यह कहा था तुम शूद्र हो, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। बाबा साहब समझ गए शिक्षा अगर कोई ऐसी वैसी वस्तु होती तो अध्यापक हमें जरूर दे देता, इसलिए मेहनत करको। भाइयों मैं अपना घर परिवार समझ के निवेदन करता हूं कि आप लोग एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर महलों में रहते हो तो झोपड़ियों में गुजारा करो लेकिन बच्चे बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा के लिए अगर आपके घर की थाली भी बेचना पड़े तो बेच दो लेकिन अपने अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के मार्ग तक जरूर ले जाओ, क्योंकि दुनिया में जो चमत्कार दिखाई पड़ रहा है ये सब चमत्कार शिक्षा का है, विज्ञान का है, किसी दूसरे का चमत्कार नहीं। इसलिए अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा पैदा करो। बाबा साहब अंबेडकर, एक बार की बात है, यहां तक माता रमाबाई जब उनके जीवन में आई लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष करना नहीं बंद किया, बिल्कुल नहीं बंद किया। 12-12 घंटे 18-18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे, यहां तक लालटेन में तेल जला करके, मिट्टी का तेल जला जला करके पढ़ाई किया करते थे लोगों, मिट्टी का तेल नहीं बचता तो मोमबत्ती जला जला करके पढ़ाई किया करते थे, और मोमबत्ती भी नहीं जब पूरी हो पाती तो गांव से बाहर जो तार वाला लाइट वाले तार होता उस खंभा में लगा बल्ब, उसकी रोशनी में बैठ करके भीमराव अंबेडकर रात रात भर पढ़ाई किया करते थे। भैया कुर्सी डाल दो, आइए गौर करते हैं। एक दिन की बात है, भीमराव अंबेडकर के पास में मिट्टी का तेल नहीं रहा होगा, मोमबत्ती नहीं होगी, तो गांव से बाहर एक खंभा था लाइट वाला, उसमें तार में लगा बल्ब की रोशनी में बैठे हुए भीमराव अंबेडकर पढ़ाई कर रहे थे। गौर करेंगे, एक कुर्सी डाल दो भैया, गौर करेंगे। लगभग 11:30 बजा होगा और गांव से बाहर सुनसान जगह में
एक लगा खंभा, उस खंभे में तार में लगा बल्ब, उसकी रोशनी में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। भाइयों, उनके एक मित्र हुआ करते थे कैलोस्कर महाराज, उधर से जाना हुआ और जब उधर से जाना हुआ तो उन्होंने देखा कि भीमराव रात का इतना समय हो गया है यहां कांत में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कोई बात, आखिर क्या दिक्कत है इनके पास जो यहां बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैलोस्कर जी ने भीमराव से पूछा, कैलोस्कर ने भीमराव से पूछा, भीमराव हेलो, इतनी अंधेरी रात है और इतनी अंधेरी रात में यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो? अरे दोस्त, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्त। क्या यह अंधेरी रात है, आपके पास उजाला भी काफी नहीं है और आपकी पढ़ाई होती तो कैसे यहाँ पर होती है? अरे दोस्त, क्या बताऊँ, घर के हालात तो आपको पता ही है। वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो मोमबत्ती है वो भी खत्म हो गई है और इतना भी पैसा नहीं है कि मोमबत्ती से हमारी पढ़ाई हो सके, और घर के हालात ये हैं कि मैं जो पढ़ाई करता हूँ इस बल्ब की रोशनी में पढ़ाई कर रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मेरा पढ़ाई करने का मन था तो घर में उजाले की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने समझा यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर लूँ। अच्छा अच्छा। भीमराव की अभी इच्छा थी कि मैं विदेश में जा करके उच्च लेवल की पढ़ाई करूँ, उनकी ये इच्छा थी कि मैं विदेश जा करके हाई लेवल की पढ़ाई करूं भाइयों, लेकिन समस्या इस बात की थी कि विदेश में पढ़ने जाने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे की जरूरत थी, इतना पैसा बाबा साहब भीमराव के पास में नहीं था। अरे सही कहते हो। तो कैलोस्कर ने भीमराव से कहा कि देखो भीमराव, हाँ दोस्त, भीमराव मैं जानता हूँ जो काम होते हैं सब पैसों के द्वारा होते हैं, हाँ जब पैसे नहीं होते हैं तो बने काम बिगड़ जाते हैं। सही कहते हैं। तो मैं जानता हूँ। हाँ। आप क्या आपकी इच्छा विदेशों में पढ़ने की कहते हैं? हाँ दोस्त, मैं विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। सही कहते हो, जो विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, विदेशों में जाने के लिए पैसे होना चाहिए। हाँ दोस्त, ठीक है, ना हो तो हमारे संग में चलो, हमारे एक महाराज मित्र हैं। कैलोस्कर ने कहा कि घबराओ नहीं। हाँ दोस्त। उसी बीच में दलित शोषित पिछड़े लोगों की दशा को जब देखा तो कोल्हापुर के राजा साहब सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा ने 50% आरक्षण की घोषणा किया था, जो दलित शोषित पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा दोस्त। तो कैलोस्कर ने कहा कि भीमराव तुम घबराओ नहीं। हाँ दोस्त। और ना हो तो तुम चलो। हाँ, मैं उनसे बात करूंगा, हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध है। अच्छा। और आप मेरे साथ में चलो और हमें विश्वास है, ठीक है दोस्त, कि वो तुमको पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेज देंगे। अरे दोस्त, इतनी मदद हो जाती तो आप बहुत अच्छी बात थी। नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी, उसमें चलो हमारे साथ में चलो। मैं उनसे कैलोस्कर ने कहा आप मेरे साथ में चलो। हाँ। और हम गायकवाड़ बड़ौदा नरेश जो सयाजी राव है उनके पास में लेकर के चलेंगे, ठीक, और वहां से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हो सकता है पूरी हो जाए। ठीक है दोस्त, चलो फिर। भाइयों, अब कैलोस्कर ने भीम राव को लिया है और चले हैं गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब के पास में। भैया मेज डाल दो, दो कुर्सी डाल दो। गौर करेंगे कितना संघर्ष सहा है, कितना संघर्ष सहा है परम पूज बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साथियों, इधर गायकवाड़ बड़ौदा राजा के पास में पहुंच रहे, एक छोटा सा मेज डाल दो। बोलिए भगवान बुद्ध की, एक बार जयकारा लगाओ सब लोग जोरदार से। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी
भाइयों गायक बाड़ बड़ौदा राजा साहब के पास में, गायक बाड़ बड़ौदा राजा साहब के पास में भीमराव को लेकर के पहुंच रहे। इधर गायक बाड़, गायक बाड़ बड़ौदा राजा साहब की कचहरी लगी है, गौर करते हैं। ये पावन कथा श्रवण करने के लिए चल रहे हो, गायक बाड़ बड़ौदा राजा साहब के पास में पहुंच रहे हैं, कुर्सी उदय देव दो या दो चार कुर्सी हिया उठा कर रख लो। हाँ, महाराज की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो चपरासी। ठीक हो? ठीक है, देखो महाराज। हाँ, और सबको चपरासी ना कहा करो। क्या कहे, क्या कहे तुमको? मंत्री कहा करो। मंत्री बहुत अच्छी बात है, चपरासी खराब लगते हैं। अब तुम्हारी नौकरी तो उसी लेवल की है। हाँ, ये तो बात सही है। कैसा चल रहा कार्यभार? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, चलिए बहुत खुशी की बात है। तो भाइयों आइए गौर करते हैं, कैलुष्कर ने भीमराव को लिया है, वहां से चले। अरे वहां से कैलुष्कर चली भाई, अरे मेरे भैया, वे तो जाए रहे राजा साहब के पास पहुंच गए। अरे हाथ चोरी पिनाती कर अरे महाराजा, हम आए ना शरण तुम्हारा जी। कहां पहुंच गए गायक बाड़ बड़ौदा राजा साहब के पास। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। और बताओ दोस्त, क्या हालचाल है? और सब अच्छे हैं। अच्छा, महाराज आपके पास आया हूं। किस लिए? कोई नई खबर लेकर के आया हूं महाराज। हाँ, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, दलित लोगों के लिए जो 50% की छूट दे रखी है, घोषणा किया था, हाँ, मैं उसी के कारण महाराज आपके पास आया हूँ। ना हो तो एक लड़का है, उसकी मदद करो, और विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहता है। अच्छा, तो उसके पास पैसे नहीं महाराज, इसीलिए ये फीस उसको मिल जाए तो विदेशों में पढ़ना चाहता है। अच्छा, तो भेजिए महाराज। तुम्हें हाँ, लाओ कागज देखा। लो महाराज कागज देखा। जो अब तक पढ़ाई किया था, बहुत अच्छा संदेश जा रहा था, बहुत पढ़ने में मेहनतशील थे, तो गायक बाड़ बड़ौदा नरेश राजा साहब ने, सयाजी राव ने कहा कि हमने 50% आरक्षण की घोषणा किया है, दलित शोषित पिछड़े अति पिछड़े गरीब असहाय जो है उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए 50% का आरक्षण मैंने अपने निजी कोटे से लागू किया। ठीक है जी महाराज। तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की? हाँ महाराज, मैं विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो? जी महाराज। खैर अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें विदेशों में पढ़ने के लिए जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ शर्त होगी। कौन सी शर्त होगी महाराज? शर्त हमारी ये होगी
हाँ, कि जब तुम पढ़ लिख करके महान बन करके आओगे जी महाराज, तो कम से कम हमारे राज्य में 10 साल रुक करके हाँ नौकरी करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मुझे शर्त मंजूर है। मंजूर है जी महाराज। तो ठीक है चपरासी, ठीक रहेगा ना? कहाँ ठीक रहे, क्यों? अरे महाराज हाँ, रुपया पैसा हमका सबका दो, हम सबको पढ़ी लिखी और ये तो नीची जाति से नहीं है। अच्छा हाँ, चपरासी का पैसा हमारे राजकोष से जा रहा है कि तुम्हारे राजकोष से? तुम्हारे तो तुम्हारे नानी का है मरत है। ठीक है भाई, होते दो होते दो, जाओ इनके दस्तखत कराओ हाँ, और इनको कुछ मदद करो। भाइयों, गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब ने भीमराव अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए सहायता दिया, विदेश में पढ़ने के लिए सहायता दिया। ठीक है भीमराव, और अगर तुम्हारी जरूरत लगे हमारा तो और बताना, मैं और पैसा तुमको दे दूंगा। ठीक है महाराज, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो आपके पास मैं जरूर खबर भेजेंगे। गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब के वहां से अनुदान मिला है पढ़ने के लिए। भीमराव बहुत खुश है कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ लाओ, दस्तखत कर दिया और दे दिया कि जाओ ले जाओ। और हाँ, दूसरा रखा होगा वो दे दो, ये लो ले जाओ। और अगर तुम्हारी जरूरत लगे हमारा तो और बताना, मैं तुम्हें और मदद कर दूंगा। ठीक है महाराज, अनुदान दे दिया भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई करने के लिए। ठीक है महाराज, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गौर करेंगे भाइयों। ठीक है चपरासी, देखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। अभी लोगन को बड़ा खराब लागत, काहे खराब लागत? ये लोगन के लिए खराब लागत कि अगर ये गरीब समाज पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए, तो फिर हमार लोगन का हो, हम ते कोई सलाह नहीं पूछिए। सही कह रहे हो तो अरे भैया, जानते हो हाँ, अगर यू पढ़ी लिख गएगा हमसे तुमसे यो नाव आओ नहीं लिखवा भाई, और ना ही जानते ना ही अपन कामों करी ना ही गन्ना गोड़ी है। और महाराजों के दिमाग का है सटिया है, अब जान ही गन है। हाँ का है महाराज, वो सुधब को रुपा दे दिन, अब वो बुढ़वा का तमीज ना है, उसके पीछे पड़ा है। अरे तुम हो बैठा, ऐसा कुछ नहीं, उसके घर में खाने के लिए नहीं होगा तो इसलिए आया होगा बेचारा, झूठ साँच बोल के मदद ले गया। अच्छा तुम बड़े विद्वान हो, इनका बताओ इतनी बड़ी फाइल लेके आ रहता हूँ। वो सब दिखावा था राजा साहब, ऐसे पैसा देबो तो नहीं करती अको। हाँ, और जो बड़ी बड़ी रेटिंग से ने ऊपर लिखा रहता हूँ, कहाँ चला गा? तुम ये सब थोड़ी थोड़ी बातों पर ना ध्यान दो, कुछ नहीं ये सब झूठ है। नहीं 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 नहीं, हम जान रहे ना है, हमारी आंख फरक रही है, कुछ कारण है जरूर, तो है जरूर। अरे भाई तुम तो हरदम कहूँ आंख फरकत, तुम्हारे कहूँ कान फरकत। सुनाओ, ऐसी आंखें खड़े हो, बताओ सुनाओ, आंख फरकाए, पेट गुड़गुड़ाए, ठीक है, और बिलैया तुम्हारे घर के पिछवाड़े रुआवे, समझो को कारण है, हम आई तरह है तो नुक ही कुहू कुहू बिरवा पर बोलत रहे का यार, पाखंड के चक्कर पर हो चलो, चला होई होई तो देखा जाई, चलो हम का लागत गुलामी करियो जरूर। तो भाइयों, अब भीमराव को मदद मिली है गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब से, भीमराव बहुत प्रसन्न है, घर के ले चले। भीमराव घर के ले चले हैं, मैया रमाबाई बैठी हैं, भीमराव बहुत खुश है। आर ले के मुजीफा भीमराव जब घर अपने को आए, बहुत खुश है, विचार कर रहे हैं अब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, विचार कर रहे हैं अब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आज लेके
अरे रामू तुम्हें नहीं पता है कि जो कोल्हापुर के नरेश गायकवाड़ बड़ौदा जी हैं, हाँ? उन्होंने 50% आरक्षण का छूट दिया था। अच्छा? उसमें हमें भी अनुदान मिला है रामू। मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा रामू? हमारा सहयोग? हाँ रामू। अरे साहब हमारा का सहयोग रहे, हम तो पढ़े लिखे ना है ज्यादा, हम तुम्हारी मदद का कर सकती हैं? अरे रामू कुछ ना तो कुछ मदद कर सकती हो। भीमराव अंबेडकर ने रमाबाई से कहा मैं विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, हमें मदद मिली है, रामू तुम्हारा क्या सहयोग है? मैया रमाबाई ने कहा साहब आप पढ़ाई करने के लिए चले जाओ और मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होगे तभी अपने समाज का सुधार कर सकते हो, आप बेशक पढ़ाई करने के लिए चले जाओ साहब। हाँ रामू। आप पढ़ाई करने के लिए चले जाओ, हमारी चिंता ना करो। ठीक है रामू। कि अरे मेरे ठीक है रामू। अरे रामू तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि साहब चले जाओ। अरे तुम नहीं समझाई 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 चले जाओ। ठीक है रामू। और अब पढ़ने को जाओ। चले जाओ और हम कतई नहीं रोक लगाएंगी, हम जैसे बनेगा परिवार का पालन करेंगी, अपने घर में रहेंगी, मेहनत करेंगी, मजदूरी करेंगी, लेकिन कभी शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा साहब। आप पढ़ने के लिए चले जाओ, जब आप पढ़े लिखे होगे तभी अपने समाज का सुधार कर सकते हो। सच कहते हो रामू, मुझे यही आपसे उम्मीद थी। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ विदेश पढ़ाई करने के लिए। भाइयों भीमराव अंबेडकर ने मैया रमाबाई से इजाजत लिया कि मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूँ, रमाबाई ने कहा चले जाओ, बेशक चले जाओ। ठीक है रामू। भीमराव ने कहा ठीक है रामा, तुम अपनी ख्याल रखना। कि रामू मत दिल में घबराओ, कि रामू मत दिल में घबराना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। We'll be right back.
घबराना नहीं, मैं जल्दी आ। ठीक है रमा, मैं जा रहा। मैया रमा भाई ने कहा साहब आप चले जाओ, आप चले जाओ, बेशक चिंता ना करो। ठीक है रमू, अपना ख्याल रखना और बच्चों का अवश्य ख्याल रखना। देखो भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले हैं, लोगों एक बार जयकारा लगाओ। बोलिए बाबा साहब जी भगवान बुद्ध की। कितना संघर्ष बाबा साहब ने सहा, आप लोग सुनने के लिए चल रहे हैं। अब भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए लोगों, इधर मैया रमाबाई घर में रह रही है। गौर करेंगे, भीमराव अंबेडकर एक बार भी मैया रमाबाई ने बाबा साहब से यह नहीं कहा कि साहब आप घर में रुक जाओ। धन्य है अगर मैया रमाबाई ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ न दिया होता तो जो आजादी आज मिल रही है ये आजादी नहीं मिलती भाई। आज जो शान शौकत की जिंदगी जीने का अधिकार मिल रहा है ना मिलता। अगर मैया रमाबाई बाबा साहब का साथ न देते तो वो विदेश पढ़ाई करने के लिए नहीं पहुंचते, और अगर विदेश पढ़ाई करने के लिए नहीं पहुंचते तो पढ़ाई नहीं पूरी होती, और पढ़ाई नहीं पूरी होती तो लड़ाई भी नहीं लड़ पाते। क्योंकि बिना शिक्षा के अगर आप कहीं लड़ने के लिए जाते हो तो हार जाओगे निश्चित है। अगर लड़ना है तो फिर पढ़ना है। बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए गए मैया रमाबाई कि पढ़ने चले भीम भगवान, देख के दुनिया भई है। और इधर मैया रमाबाई अकेले घर में रह रहे। घर की स्थिति उस समय बहुत बढ़िया नहीं थी। अब पास में पैसा नहीं और रमा नहीं मिलता, बहुत बढ़िया नहीं रह रही थी। दो दो बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी घर पर है, और अब खर्चा कहां से आए भाई। जो पैसा कमाने वाला था वो तो परदेश में पढ़ाई कर रहा है, पैसा आए कहां से। एक बार माता रमाबाई के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। गौर करना लोगों, बोलिए भगवान बुद्ध की। बाबा साहब जी एक बार मैया रमाबाई के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई लोगों, और जब तबीयत खराब हो गई तो मैया रमाबाई के पास में पैसा भी नहीं था। अब मैया रमाबाई के पास पैसा नहीं था, इलाज कैसे कराती बेचारी। तो मैया रमाबाई ने काम क्या किया, एक वैद्य थे, विचार किया है ना हो तो बच्चे का कि दवा ले आऊं, अगर पति को बताऊंगा
तो उनको चिंता होगी। मैया रमा भाई ने बाबा साहब को पास पत्र नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? उनको पता है अगर हम ये सूचना बाबा साहब को बताएंगे तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको घर की चिंता सताएगी, और पढ़ने लिखने वाले बच्चे का एकदम फ्री दिमाग होना चाहिए, एकदम फ्रेश दिमाग होना चाहिए। मैया रमा भाई ने एक बगल गांव में वैद्य रहा करते थे, तो विचार किया है ना हो तो बच्चे को ले जाए, दवा ले आवे। गौर करना लोगों, कितना संघर्ष माता रमा भाई ने सहा है अपने जीवन में, कि रामा भाई निराश न पैसा पास करे का भाई, और कैसे अपने बालक की हमने इलाज कराई। तबीयत बड़ी खराब है, करके पहुंची है, बच्चे की तबीयत बहुत खराब। वैद्य जी अरे का सोए गए? वैद्य जी आंखें खोलो। का सोए गए? अरे कौन हो? वैद्य जी मैं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसको अच्छी से दवा दे दो। वैद्य जी तो तुमको चिल्लाना वैद्य जी, कई बार हमने आवाज दिया, आप शायद सो गए थे, नहीं सो रहे। गौर करना माताओं बहनों, बाबा साहब मैया रमाबाई ने कितना संघर्ष किया, और अगर माता रमाबाई ने अपने जीवन में इतना संघर्ष न किया होता तो आज शान शौकत की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिला। वैद्य जी अच्छा सा इलाज कर दो। कि मेरो बालक है बीमार, और वैद्य जी अच्छाई दवा कर दी। मैया रमाबाई ने एक बार भी बाबा साहब से ये नहीं कहा कि साहब घर में बच्चों की तबीयत खराब है, घर में पैसा नहीं है, आप आ जाओ, एक बार भी नहीं कहा।
मैया रमाबाई सोच रही हैं कि हमारे पति प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर मैं उनके पास में पत्र भेजूंगी तो दिक्कत का सामना करेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्यों? हाँ बैद जी, इंजेक्शन इसके लग गया है, बैद जी दवा दे दो। हाँ युवा, ये क्या है बैद जी? कैप्सूल है। कैप्सूल? अच्छा, एक पानी संग खवाई दियो। अच्छा ठीक बैद जी, और या दवाई? हाँ ठीक है। हाँ बैद जी, एक सुबह सब खाओ बहायो ना। ठीक ठीक बैद जी, और कुछ? आप बस। अच्छा ठीक बैद जी, कितना पैसा तुम्हारा हुआ? हाँ बताओ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, यानी तुम्हारे पैसा हो गए 474 रुपया। 474 474 बैद जी। क्या बैद जी, एक बात कहें? हाँ बैद जी, आज कुछ पैसा आप बाकी नहीं कर लोगे? बाकी? हाँ क्यों? बैद जी आज मेरे पास थोड़ा ही पैसा है, हमारे पति परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अरे, और जब वापस आएंगे तो मैं आपका पूरा पैसा अदा कर दूंगी। वो पढ़ाई करते कोई कमाता है नहीं, या जानते हो कहां से दवा लेते, कहां से लेते? चलो बैद जी, पैसा सब देख पड़ी। बैद जी थोड़ी सी दया करो हम नारी समाज के ऊपर। नहीं 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 नहीं, तो दवा लो हमारी। नहीं, थोड़ा पैसा हम दे रहे हैं आपको। अच्छा, थोड़ा पैसा दे देंगे, कुछ पैसा रह जाएगा तो कल दे देंगे। कल ही है ठीक? हाँ कल दे देंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं बैद जी। आप कई है? 200 है? 200 है? हाँ मान सके 200 हुई है। बैद जी बाकी पैसा कल दे देंगे। लोगो अब देखो, पति परदेश में पढ़ाई कर रहा है, मैया रमाबाई घर में इतना संघर्ष कर रही हैं। मैया रमाबाई इलाज करवा के आई, पैसा पास में नहीं है। अब पैसा पास में नहीं, रमा के कैसे होए पुजारी। मैया रमा भाई विचार कर रही अब क्या होगा, दवा लेकर के गई, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। विचार किया अभी बैद जी का पहले का पैसा बाकी है और आज पैसा भी मेरे पास नहीं, अब होगा क्या? बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही, चलो ना हो फिर चलते हैं। अरे पैसा पास में नहीं, रमा के कैसे होए गुजारे। पहुंची, कहा बैद जी दवा लाई थी कोई फायदा नहीं हुआ है, मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही, बिगड़ती जा रही। गौर करेंगे माताओं बहनों भाइयों। बैद जी के पास में गई, बैद जी कोई फायदा नहीं मिला, आपने दवा दिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो इसको बुखार कितनी तेज से आई। हाँ देखो ये अपने आप देखो कितना परेशान लग रहा है। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन दवा तो दिया था। बैद जी कुछ फायदा नहीं हुआ उस दवा से, कुछ फायदा हुआ ही नहीं। बैद जी अच्छी सी दवा कर दो मेरे बच्चे की, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बैद जी अच्छी दवा कर दो। गौर करेंगे लोगों, दवा थोड़े है ना लाग। दवा लगाया ना फिर ठीक हो जाए। अच्छा बैद जी, दवा तो दे देंगे। हाँ बैद जी, जो पुराने वाला हिसाब तुम्हारा था बैद जी। हाँ हाँ हाँ, पैसा कल वाला आपका पड़ा है। हाँ पैसा पहले लाओ फिर दवा दे रहा। बैद जी का? मुझे क्षमा कर दो, आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या? मैं कहीं काम पर भी नहीं पहुंची हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें, पैसा नहीं, मैं काम पर नहीं गई हूँ, हमारे लिए काम करती हूँ। ये दवा मुझको विदोषों से लाती, विदोषों से लाना पड़ता है। बैद जी हमारे पति परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ी सी
दया कर दो, हमारे पति जब आएंगे हमारे बच्चे को ठीक कर दो, मैं आपका एक एक पैसा अदा कर दूंगा। नहीं देखो रे माँ, हमें दवा कहाँ से कर लाए थे, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और ये हम दवा नहीं तुमको दे सकते। चलो गेट आउट। अब एक बार तो वैद्य ने इलाज कर दिया, दूसरी बार उसने भी मना कर दिया, तुम्हारा रोज का ये काम है, चली जाओ यहाँ से। कहते बनी बनी के चेहरे पे लाखों निखार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते। सवेरे सवेरे मुंह लटका काए गए। मैया रमाबाई, यहाँ तक दवा का अभाव रहा, अब मैया रमाबाई विचार कर रही, अब क्या करें हम, अब क्या होगा। विचार किया, बाबा साहब से नहीं बताया अभी, बाबा साहब से नहीं बताओ, आवाज के अगर रमाबाई होती तो क्या करती। विचार कर लो, धन्य है मैया रमाबाई, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं बताया, काम क्या किया, गोबर इकट्ठा करती हैं, उसके उपले बनाती हैं, और ऐठा चिपरी कंडे बना करके और फिर उन्हें सुखाती हैं, और फिर उसे जा करके सेल करती हैं, बेचती हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसका उससे अपना खर्चा चलाती है। धन्य है मैया रमाबाई। कि पढ़ने चले भीम भगवान, देख के दुनिया भई कंडा को लिया, कंडा बनाया, सुखाया, तैयार किया, फिर उसे बस्तियों में ले जाती है, बस्तियों में ले जाते हैं, अपने बहन बेटियों के बीच में जाते हैं, बहन अगर किसी को ईंधन की जरूरत हो तो हमारे उपले ले लो, बदले में हमें पैसा दे दो, हमारे बच्चे बहुत बीमार हैं, हमारे पति परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, अब अगर किसी को जरूरत होती तब भी दे देता, और नहीं जरूरत होती तब हूँ दे देता। जाओ तुम नारी समाज से हो, तुम्हारा पति परदेश में पढ़ाई कर रहा। वारे मैया रमाबाई का त्याग, गौर करना माताओं बहनों, अगर मैया रमाबाई ने इतना त्याग न किया होता तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती, और अगर पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती तो जो आज आजादी मिली है आजादी नहीं मिलती। अब गलिया न जाती और कंडाले कराती हो जाती हैं। मेरे बालक बड़े दुखारी, कोई कंडा लो की।
परम पूज्य बाबा साहब जी इतना त्याग मैया रमाबाई कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर भी विदेश में बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके, समय से उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था, सुबह ब्रेड का टुकड़ा खाने को दिया जाता था और उस ब्रेड के टुकड़े को खा कर 18-18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। लोगों कितना त्याग सहा। बाबा साहब अगर एक डिग्री लगा देते अपनी तो उनका परिवार सुख से जीवन यापन कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ हम आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए हमेशा लड़ते गए। बाबा साहब विदेश में बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि रमाबाई सोचे मड़ैया में भीमराव पढ़ रहे बंबैया रचित भैया जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान है। साधु भाई जय मंगल हो। अरे परती जहां थी कड़ाके की सर्दी, पहले आए बाबा स्कूल वाले सुंदर सी घड़ी कलैया त्याग कर रहे। अभी भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई नहीं पूरी हुई है कि गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब के वहां से पत्र जाता है कि अंबेडकर तुम वापस आ जाओ, अंबेडकर तुम वापस आ जाओ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वापस आ रहे हैं। गौर करेंगे लोगों, भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई छोड़ करके वापस भारत आ रहे हैं। गौर करेंगे पावन कथा, कितना संघर्ष परम पूज बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने सहा जीवन में। बोलिए भगवान बुद्ध की। परम पूज बाबा साहब जी महाराज की जय। प्रसन्न रहो, कहो महाराज ठीक हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात। भाइयों इधर भीमराव अंबेडकर वापस आ रहे हैं गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। गौर करेंगे कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, यहां तक बैरिस्टर की डिग्री उनके पास आ चुकी थी और जब गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब के वहां पर पहुंचे तो नमन हुआ।
नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, आ गए भीमराव? हाँ साहब, मैं आ गया हूँ, आपका पत्र मिला, मैं शीघ्र आने का काम किया सर। बहुत अच्छी बात है, लाओ लो लाओ कागज दिखाओ। लो महाराज। तो जब कागज दिखाया, बहुत अच्छी डिग्री लाए थे, बहुत अच्छी डिग्री लाए थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब ने कहा, देखो भीमराव जी महाराज, तुम अपने कहे हुए शर्त के हिसाब से अब मेरे यहाँ कम से कम 10 साल नौकरी करोगे। जी महाराज, लेकिन अभी हमारी पढ़ाई अधूरी है महाराज, पढ़ने और चाहता हूँ। वो भी पूरी हो जाएगी, कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ठीक है महाराज, मुझे जो मैंने शर्त मंजूर किया था उसके तो वहां पर गायकवाड़ बड़ौदा राजा साहब ने अपने वहां पर उनको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया। भीमराव जी महाराज, तुम एक सैन्य सचिव के पद पर तुमको मैं तुम्हारी नियुक्ति कर रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है चपरासी, ठीक रहेगा? कहा महाराज, इनको मैं सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त कर रहा हूं। यानी सैन्य सचिव के पद पर एक लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त करता हूँ। लेफ्टिनेंट पद पर? हाँ। यानी का यह कहाँ बैठे है? तुम्हारे पास हमसे बड़ा पद है इनके पास। अच्छा। हाँ। यानी ये तुमसे ऊपर बैठे है? हाँ। क्या महाराज? हाँ। काम हम कहना दे सके रहो तुमको? हाँ। तुमको तो मैं काम दे देता, लेकिन तुम कत्ता पढ़े हो भैया? हाँ। हाँ। कक्षा 3 में 3 बार फेल। अच्छा, तो जब तुम कक्षा 3 में 3 बार फेल हो, हाँ, तो ज्यादा पढ़ा लिखा काम तुम्हारे बस की बात भी तो नहीं है। तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है। अब तुम्हारे पास इतनी योग्यता है कि तुम झाड़ू बटोरू करो और पानी वानी ला के दो, मेज वेज साफ करो, कुर्सी मेज उठा उठा रखो। अच्छा, एक योग्यता कहते हैं। और क्या? क्या महाराज? हाँ। जो तुम करवावत रहा तो नहीं करवाई। और क्या? ठीक है, मैं चला देखना। ठीक है। तो बाबा साहब अंबेडकर को वहां पर सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। अभी लोगों ने खराब लागत है, खराब ही ले लागत है कि देखो हम लोग एक उच्च वर्ग क्या रहे हैं और ये लोग भी अब कुर्सियों पर बैठने लगे। ऐ, हाँ। तुमसे कह रहा किया के दिन यू सुदबा तुमने खोपड़ी पर बैठी जरूर। सही कर रहा तुम्हारे भैया, आपने बिल्कुल सही भैया कहा था, लेकिन हम तुम्हारी बात माने नहीं। तुम कहा तो सही रहो कि हमारे पिछवाड़े बिलैया रोवत रहे। कह रहा ना कि फरक गए, पेट गुड़गुड़ाए, समझो कोई कारण है जरूर। अभी सुदवा पाके बैठा है। खैर कोई बात नहीं, दूर बैठो ही नहीं। कतने पढ़े लिख के विद्वान हो जाए, हाँ, लेकिन इनकी जात नहीं बदली है, शूद्र तो रही है शूद्र। हाँ, सेवा करो इनकी। भीमराव अंबेडकर उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो चपरासी से कहा, ए चपरासी, चपरासी देखो अलमारी कमरा नंबर 3 से अलमारी नंबर 3 से रजिस्टर नंबर 4 जिसकी हरी जिल्द है लेकर के यहाँ आओ। हम और क्या? ठीक है, जाओ कमरा नंबर 3 से फाइल नंबर 4 से। ए, 3-4 नहीं, कमरा नंबर 3 से अलमारी नंबर 4 से, हाँ, रजिस्टर जिसकी हरी जिल्द है, हाँ, उसको लेकर के यहाँ। अब हम जाने कमरा नंबर 3 से फाइल नंबर 4 से जिसकी हरी लिल्ज है, और फाइल लाके दो। तुम जाओ, तुम जाओगे? हम कहे जाए, हम दूजने भाई भाई अपने पड़े। अरे तुम जाओगे? नालायक नालायक कहीं के नौकरी करता चबाल लड़ाने के लिए आया? अरे जाइते हैं, इनका खराब बहुत लागत है। खराब यू लागत है कि हम अत्ते बड़े हैं, इनका जात क्या अहंकार है? इनको जात का अहंकार है कि हमारी जात बड़ी। भाइयों, अब चपरासी जाता है, फाइल लेकर के आता है। फाइल जा
जब लेकर के आता है तो हाथ में नहीं देता है, दूर से मेज पर डाल देता है कि अगर हाथ में देंगे तो ये अछूत है, छू जाएगा और जाति का करंट फाइल से उतर करके हमारे लग जाएगा, मैं अछूत हो जाऊंगा। ये फाइल लाने का तरीका है तुम्हारा, ऐसे फाइल दी जाती है तो इनके हाथ हम पकड़ाए थे हम शुद्ध हो जाए। भीमराव अम्बेडकर ने फाइल को खोला, नई नई पोस्टिंग हुई, बड़े तेज तर्रार काम, बड़ा तेज तर्रार काम था, चपरासी बहुत तेज तर्रार काम था। इधर आओ, ये कैसा कालम छुटा पड़ा हुआ है, ये किसका काम है, तो कौन भरेगा नालायक, इसको मुझे अभी पूरा करने चाहिए, रहिया इसको पूरा करो तुरंत अभी मेरे सामने। या नाल पर टीका लिखा है, हैं ये पर काज पर इसको पूरा करो तुरंत, पूरा करो नालायक इसको। जय ते कलम हमने थी नहीं है, पेन नहीं लाते हो क्या, अरे लाए थे जल्दी कर, नौकरी करते हो फोकट का पैसा लेते हो, चलो इसे तुरंत पूरा करो। भीमराव अंबेडकर बड़े तेज तर्रार दमकस कुर्सी पर बैठे, लोगों जाओ जा भैया एक गिलास पानी ले आओ फिर बैठो, नाकम दम करे हो जाओ पानी ओए पानी ला दो जाओ, तुम ही चले जाओ, तुम ही चले जाओ जा, कि फिर धीरे धीरे समय गया और मेहनत से करी पढ़ाई है। पानी पिया, गौर करते जाना, और पात्र में मुंह लगा के पानी पिया और रख दिया, कहा भैया इसे वहीं रखियो, कहा इसे वहीं रखियो लोटा, हाँ वहीं रखियो, तुम कहता है मैं पानी पिया करो तब भी वहीं रख के आओ, हमको दे दिए तो पानी तो पियेंगे लेकिन इसे वहीं रखियो, हम जाओ, हाँ और क्या, हम तुम्हारा लोटा रखे जेब में, क्या बैठ कर नौकरी करो, नौकरी करी या ना करी हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी गुलामी हम नहीं सहेंगे, और हम लोग पढ़े लिखे हो या गवार हो लेकिन हम पूजनीय हैं, और तुम पढ़े हो तब भी तुम गवार के गवार ही रहोगे। कहा भीमराव एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम पढ़ लिख चाहे जत्ता जाओ लेकिन तुम्हारी जात नहीं बदली, आयु सूद तो रही हो सूद रहे। अच्छा हाँ, और यह हिंदू धर्म की महानता है कि तुम चार वेद छह सात 1900 पुराण काहे न कंठस्थ याद कर लियो लेकिन तुम्हारी जात नहीं बदलत है, जो न हो तुम रही हो वही जानते हो बेटकर। हाँ हमारे पुरखा ने क्या कहा, क्या तो भीमराव को बड़ा झटका लगा, यार मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान और ये दो पैसे की नौकरी करने वाला फोर्थ क्लास का उल्टी सीधी बातें कर रहा, और क्या? मतलब यहाँ रहने से मतलब क्या, जिस जगह पे अपना मान नहीं उस जगह पे रहना ठीक नहीं, चिड़िया
तो उस नौकरी में इस्तीफा लगा दिया कि हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी है। भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर ने उस नौकरी को त्याग पत्र दे दिया कि हमें को ऐसी नौकरी नहीं करना। ये कुछ दान हुआ है, दानी लोग अपने अपने नाम सुन ले भाई। ये अब बाबा साहब अंबेडकर ने उस नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। जब उस नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, भैया देखो इना कुछ कहां गए हैं, पेशाब करने का भयावत है, बैठो। पेशाब नहीं, अरे बैठो ना, बैठ चिल्लाई लग गया है। हमको लगता है पर कुछ कुरकुर 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 कुछ गुआदत रहा है। कहां देखो इमा का लिखा, हमका लागत बहुत घबरान बहुत गुस्सम उठे का गा है। हां हां तो या खा जाए हैं, हमको तो ये आभास हो रहा है। ऐसे काहे छुवत हो, गौमूत्र पहले छिड़काओ। गौमूत्र अब जतने सबरण समाज के रहा है तो ज्यावन में यहाँ डेबियम गौमूत्र ले जाते रहे हुआ काहे पे दिखा मालूम। जब अंबेडकर चले जाते रहा है तो वही गौमूत्र का यहाँ मेजन पर फैलन पर छिड़कत रहा है, पवित्र करत रहा है और फिर उनका अंदर दर्द रहा है। कहे भैया का एक इंसान इंसान से ज्यादा गिरा हुआ है, जहां पर इंसान की बराबरी इंसान से नहीं होती है और गौ का मूत्र इतना पवित्र है। वारे समाज शायद बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। अरे हाँ, ये नहीं पढ़ा जाता यहां पर। ये नहीं भैया, ये नहीं, ऐसे छिड़ी के दो, ऐसे छिड़ी के दो, सब साफ पवित्र हाल। देखो क्या लिखा, अब उस फाइल को जब खोल करके देखा, पढ़ो देखो क्या लिखा है। अब वो ज्यादा पढ़े हो नहीं रहा है बेचारे, पढ़े नहीं रहा है लेकिन हनक रहा है, हनक रहा है, हनक रहा है। हाँ देखो कहा लिखा, देखो हम पढ़े कहाँ पे इतने, अरे तुम हमसे तो ज्यादा ही पढ़े हो। तुम कत्ता पढ़े हो, हम कच्छा नर्सरी ही था ले आ रहा। इधर नर्सरी में हम लंबे हैं, इसलिए अब कहा करे दोस्त, पहले नहीं को समझ पावा है और पहले हमारे खूब ऐसी वैसी बड़ा सम्मान होता रहा है, दादन के रे साथ खूब जाइत रहा है, कथा उथा बात जाए। हाँ। वह हम स्कूल गवा छूट धोखेधारी। अच्छा हाँ देखो का लिखा, अब बाबा साहब अंबेडकर ने उस नौकरी को त्याग पत्र दिया। अब वो पढ़े हो नहीं, अब कहां पढ़ पाई हो, एक डॉक्टर के लिखावट हो कक्षा दुईमा पढ़ात में पढ़ ली भला है, एक बैरिस्टर के लिखावट कक्षा दुई तीन पढ़ात में कहां पढ़ ली। पढ़ो भैया पढ़ो, पढ़ रहे पढ़ का पेते हैं, मिलाए मिलाए पढ़ो। हम जाने थे यूं जाने तू कौन अक्षर हुआ है, कौन हम जाने थे कौन अक्षर हुआ है। हां कौन हुआ है, हमें जाने थे कौन अक्षर। अक्षर हुआ है, अक्षर हुआ है काज, लेकिन कौन हुआ है हम जाने थे भाई, बताइए बस के रहा आज कर दो। हां मां 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 माय मछली वाला। अच्छा हम जाने थे। हाँ। अच्छा तो जाने थे। और पढ़ो का लिखा, हम जाने थे ये क्या मंत्र आए लाग है, ये क्या मंत्र है ही। हाँ ये जान तो कहाँ है, कहाँ होएगा, मैं सर ठीक ठीक से पढ़ाओ। देखो बाबा साहब की बड़ी खिल्ली उड़ाया करते थे लोग, लिखा है मैं हाँ दुई चक्कर लिखा, मैं हाँ मैं इस नाय यू किस लिखा है रे, किस नहीं नाला है अपनों नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़े देते यू ई आई और यू साई यू होगा मैं इस। हाँ मैं इस टोकरी को, टोकरी नहीं नौकरी, टोकरी कहिया कौन काम। हाँ नौ
ये मारा माय बनाए का है नौकरी आगे तो घोच दी सब नौकरी को आए को हाँ। को हाँ। मैं नौकरी को को यू लिखा है मैं नौकरी को हाँ। यू लिखा है मैं नौकरी को हाँ। और बात नहीं दे सुनो लिखा है मैं नौकरी को इस इस्फम हाँ। इस्फम करता हूँ इस्फम नाए और ठीक से पढ़ो मैं इस नौकरी को इस इस्तीफा आठ आधे गत्ता है बुरी गत्ता इस्तीफा मतलब युवा है कि नौकरी छोड़ के चला गा अच्छा इस्तीफा मतलब युवा है इस्तीफा मतलब यह है हो त्याग पत्र अच्छा देखा कह रहा जब तक उस सुधवक भगाए ना लाओ तब तक हम ब्राह्मण लोग चैन से नहीं बैठेंगे सही ये हमारे भैया हरीश बाबू पूर्व बीडीसी ऊंचा खेरा कला से कमेटी के सचिव हैं और इनकी तरफ से 5000 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान हुआ है एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइएगा भाई बहुत बहुत साधुवाद है तुमको नहीं पता है हाँ अरे आज तो हम उसको भगाया है और हमारे महापुरुष किस तरह उनको भगाया जानते हो कैसे अरे बिब्र सादा बुद्धि से काम लिया करते हैं अरे बिब्र सादा बुद्धि से काम लिया करते सुनो अरे हर दोई का राजा सुनो एक बलि हुआ अच्छा महाराज बलि हाँ जो बलग्राम क्षेत्र को बसाया था कन्नौज को हाँ ठीक है हमारे महापुरुष किस तरह चला किस तरह हर दोई का राजा सुनो एक बलि हुआ तन में पीठ उसकी ना बलिया करते इन लोग राजा जो थे किस तरह चला कैसे चला जानते हो हाँ। और हम लोगों की तो दुकान भैया थ्री सेंटर है हाँ। कैसे सुनो हाँ। अरे पत्थर की टेबल कर घूमते हम दोरे दोरे मतलब तुम्हारे पास खर्चा ना हो हाँ। पैसा ना हो हाँ। और रोड पर के चार पत्थर उठा लो हाँ। उनमें लाली सिंदूर टुकली लगा लो हाँ। और ले चल के जान तो कहाँ पहुँच चलो कहाँ पहुँच चले ऊंचा खेड़ा अच्छा ठीक है हाँ। ऊंचा खेड़ा में पहुँच चलो हाँ। और कहो लोगों से भगवान है हाँ। ए भगवान है हाँ। इनके नाम पे दे दो तुमको गल्ला देंगे अनाज देंगे पैसा देंगे और हम का देंगे का देंगे भले पेड़ी की राख हो झरिया करके दे दे सुनो अरे पत्थर की टेबल कर घूमते हम द्वारे द्वारे दान के बदले में राख दिया इसलिए तुम्हार दिमाग को भाई एकदम गूगल फेल करे
सही? हाँ सच मामा ढगे ढगे सुने है? चलो चलो उठाओ अच्छा उठाओ चलो अब तो चले गए चलो उठाओ का यो उठाओ पात्र जी मैंने पानी रखा है हमें पात्र उठाइबे तो कौन उठाए सुबह हम नहाए कारण और पूजा वंदना करके आ रहे तो क्या हम ऐसे आए थे इधर कप्तान नहाए हो ना नहाए हो नहाए थे पूजा भी किया था अब हम जैसे कहिबे तो कह दे काई जो नहीं हम जानित रहे तुम सुबह अरे ई सुबह टट्टी और सब चिन नहीं सबके सामने तो कहे मार बड़ी बड़ी बोतल सबके सामने बेइज्जती करने लगते हो वहां पानी नहीं था तो क्या करें पानी लेके डब्बू में हमारे सामने सच्ची बात है कि नाई का पानी यो किसने कह दिस अरे सोचिस नहीं उठा लोटा तुम उठा तुम आड़ करो अच्छा हम उठा ले आड़ करो कोई देखत तो नहीं देखिए तो लोग कहे हैं कि सुदवन के जूठन धोवत है हां ठीक उठावा जाए थे देखो ठीक चलो बोलिए भगवान बुद्ध की बाबा साहब जी बाबा साहब ने उस नौकरी में त्याग पत्र दिया और जब उस नौकरी में त्याग पत्र दिया बाबा साहब ने विचार किया अब हम नौकरी नहीं करेंगे बाबा साहब ने कहा अब नौकरी नहीं करेंगे पिताजी की तबीयत भी उस समय बहुत अच्छी नहीं रह रही थी तो बाबा साहब ने विचार किया नौकरी नहीं करेंगे अब हम वकालत करेंगे वकालत अरे छोड़ नौकरी भी मराव जब घर अपने फिर आए वकालत करेंगे बहुत पढ़े लिखे थे बैरिस्टर बन चुके थे और जब बैरिस्टर बन चुके थे लोगों तो बाबा साहब अंबेडकर ने कोर्ट में बैठना प्रारंभ कर दिया कोर्टों में बैठना शुरू पहले तो उनको कोर्ट में बैठने के लिए जगह नहीं दिया लोगों ने क्योंकि शूद्र थे अछूत थे बड़ा शोर से पारस लगाए के एक मुसलमान भाई समाज के थे तो उन्होंने कचहरी से दूर उनका जगह थी उनकी जगह थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह में अपना बैठका बनाओ और वहां पर अपने लोगों का काम करो आज भीमराव अंबेडकर कचहरी में बैठना प्रारंभ किया गौर करें कचहरी में बैठना प्रारंभ किया आर टीन के तरे बाबा टीन के तरे कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तरे जगह में उन्होंने अपना कीपर को डाल लो भले मानो चश्मा लगाए तो वकील नहीं बन जाए
लोगों सुनसान जगह में उन्होंने अपना टेंट सेट रखवाया, वहां पर बैठना शुरू किया। गौर करेंगे बाबा साहब अंबेडकर ने उस नौकरी में त्याग पत्र दिया और जाकर के कोर्ट में बैठने लगे। कोई केस नहीं जाता उनके पास, जाएगा क्यों? वो अछूत थे, शूद्र थे, महार थे, कोई केस उनके पास में नहीं जाता था। और वो केस उनके पास जाता जिस केस को कोई वकील नहीं ले पाता, वो केस बैरिस्टर अंबेडकर के पास जाता था। भाइयों एक बार का समय है, धीरे धीरे करके महीना हो रहा है, अब कोई केस नहीं जाएगा, खर्चा कहां से आएगा? खर्चा कहां से आएगा? खर्चा भी रुक रहा है, कोई केस नहीं जाता। एक बार बड़ा जटिल केस उनके पास पहुंच गया। कैसा? बहुत जटिल केस पहुंच गया। एक सेठ था, ब्राह्मण था, उसके लड़के को कोर्ट ने गलत संगतियों में पढ़ करके कोर्ट ने उसको फांसी का हुक्म सुना दिया था। जब फांसी का हुक्म सुना दिया था लोगों, तो आज वो सेठ ब्राह्मण जो है वो वकीलों की शरण में जाता है, कोई हमारे बच्चे की जान बचा ले, कोई हमारे बच्चे की जान बचा ले, हमारे बच्चे की जान बच जाए, कैसो न कैसो कोई हमारे बच्चे की जान बचा लो, मेरे बच्चा मरने से बच जाए। भाइयों वकीलों की शरण में जाता है। गौर करेंगे वकील साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए चाचा जी क्या बात है? मैं आपके पास आया हूँ, ये हमारा बेटा है। हाँ। और ये बेटा इन्हें कोर्ट की सजा सुना दी है और फांसी का हुक्म सुना दिया है। ये फांसी से जाने वाला है और हमारे बेटा को वकील साहब बचा लीजिए। लाओ कागज दिखाओ। कागज को दिखाया। अब जितने वरिष्ठ अधिवक्ता रहे, मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, पचबे, अब सबने देखा, लेकिन कोई की दम रहा ना है वो केस ले। भाई देखा, हमारे बस की बात ना है। अलो आप देख लो, आप कहां से आए हो? त्रिपाठी थी। त्रिपाठियों देखे नाए नाए वो फुर रैया उड़ाई नहीं सही वैसे ना। जो जजमेंट जो आदेश करता है मूर्ख थोड़ा होता है, वो भी बहुत विद्वान होता है। लो तिवारी जी आप देख लो। तिवारी जी ने देखा नाए, हमारे बस की बात है।
बारी बारी ने एक तरफ से ये कह लीजिएगा कि कोर्ट के जितने वकील थे सबने उस फाइल को देखा, लेकिन किसी के पास ये हिम्मत नहीं थी उस केस को लड़ सकते, उस केस पर बहस कर सकते। कहा देखो चाचा जी, कहिए सर। अब इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं हमको मिल रहा है जो मैं इस केस में बहस करूं। नहीं वकील साहब, इसलिए अब जो कोर्ट ने आदेश कर दिया वो वकील साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता नहीं हूं। चाचा जी देखो, पहली बात तो आप हमारे समाज के हो जी, अगर मेरे विद्वता से होने वाला होता तो मैं जरूर आपके बच्चे की जान बचा लेता। नहीं कोशिश करिए वकील साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बातें मत बोलो, हमारा बेटा चला जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वकील साहब बचा लीजिए। तुम घबराओ नहीं, जाओ एक बाहर वकील बैठे थे, दूर चले जाओ एकांत सुनसान जगह में, यहाँ टीन सेट के नीचे जी, अब उनका दिखाई लो, वह बहुत अपन वकील बनता है, याद रखना कि वो अछूत समाज से आता है, चले जाओ, हो सकता है। हाँ चले जाओ, ये लो कागज ले लो। भीमराव अंबेडकर की मजाक खिल्लियां उड़ाया करते थे, बहुत मजाक उड़ाया करते थे, उस फाइल को लिया है और भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर बाबा साहब के पास में पहुंच रहा है। वो गौर करेंगे साथियों, जिस समय बैरिस्टर अंबेडकर के पास में पहुंचा है, वकील साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार चाचा जी, बोलो किस लिए आए हो? मैं आपके पास आया हूँ जी, बताएं। ये हमारा केस है वकील साहब, ये हमारा बेटा है। अच्छा, इसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है वकील साहब, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, अब ये मेरा मेरा बेटा, लाओ पहले कागज दिखाओ, देखो कहते रस्सी भर जाते लेकिन ऐठन नहीं जाते है, अब मरे के लिए जा रहा लेकिन फाइल हाथ हम नहीं दिस, काहे नहीं दिस है कि वो अछूत आए, अगर हाथ हम पकड़ेब तो फाइल क्या इका करंट उतर के फाइल से होके हमारे अंदर आ जाए और मैं अछूत हो जाऊंगा। अरे चाचा जी, जी सर, वहां कोर्ट में गए बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, कहा इसमें कोई विकल्प तो है नहीं, वहां दिखाया नहीं लोगों को? सर दिखाया था। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे हमारे बस का ये केस नहीं है। अच्छा, तो मैं आपके पास आया हूँ कि साहब। चाचा जी कहिए सर। खैर ठीक है, घबराओ नहीं, हम प्रयास करेंगे। ठीक है सर, प्रयास करेंगे आपका बच्चा बच जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है सर, वकील साहब ठीक है। कि चाचा मत दिल में घबराइयो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। घबराओ नहीं, चाचा मत दिल में घबराइयो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। जैसे होगा इस बालक की, मैं आगे जान तारीख लेंगे तब आना। ठीक है सर, जब बहस करेंगे, जब तारीख लेना तो बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। अब भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर बाबा साहब ने उस केस को ले लिया, गौर करेंगे भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर ने उस केस को लिया है। अब जब वकीलन को पता चला कि जिस केस को बहुत बड़े बड़े लोग नहीं ले पाए उस केस को अंबेडकर ने लिया है, बहस किस मुद्दे पर करेगा, उसमें कहीं पर कोई ऐसा बिंदु मिला नहीं, अंबेडकर बहस किस मुद्दे पर करेगा? तो जिस दिन बहस होना था
उस दिन कचहरी के वकीलों ने हड़ताल लगा दिया। हड़ताल इसलिए लगा दिया कि हम देखेंगे अंबेडकर किन मुद्दों पर बहस करेगा, हम देखेंगे अंबेडकर किन मुद्दों पर बहस करेगा। आज उस केस में बैरिस्टर अंबेडकर बहस करने के लिए जाते हैं। बैरिस्टर अंबेडकर उस केस में बहस करने के लिए जाते हैं। लोगों बोलिए बाबा साहब जी, जोर तो जयकारा लगाओ, अपने अगल बगल झांको, जो कोई स्वागत हो के किल्ली लगाओ कह दो तुम्हारे बुआ गोहरावत है। देख लो अगल बगल अत्ता बढ़िया स्वागत का मौका घर में मिलबो नहीं करी, काहे नहीं मिली, रुपा लगी 1 लाख। हाँ 1 लाख रुपा लगाई हो तब स्वागत मिली था। थोड़ा टप विषय है, समझ में आएगा, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, टप विषय है इसलिए दिमाग का मसाला खर्च करना पड़ेगा। आज बैरिस्टर अंबेडकर बहस करने के लिए जाते गौर। साथियों बैरिस्टर अंबेडकर बहस करने के लिए जाते हैं जज के सामने। बैरिस्टर अंबेडकर बहस करने के लिए जाते हैं धम्म परिवर्तन। अब सर मैं बैरिस्टर अंबेडकर, जब आते हुए देखा तो जज खड़ा हुएगा कुर्सी पर, ते सोचा कोई अधिकारी आएगा, वाह बड़े लंबे चौड़े हते, तो बाबा साहब ने अपना परिचय दिया, मैं बैरिस्टर अंबेडकर। जज शर्मा गया, ये तो बैरिस्टर है, मैं तो सोच रहा था कोई अधिकारी है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस केस को लिया है, उस केस में बहस करने के लिए जा रहे हैं। अंबेडकर जी सर, हमने सुना है इस केस को तुमने लिया है। जी सर मैंने केस को लिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर मैं कहना चाहता हूँ, ये बालक बिल्कुल निर्दोष है, मैं साबूत पेश करूंगा, गवाह दूंगा, दिखाओ। तो बाबा साहब अंबेडकर उस केस में बहस करने के लिए जाते हैं कि विनय हमारी सुन लीजिए और सुनो लगा कर कान, बनारस का कैसे कत्ल होता है श्रीमान। ये जो भीरू नाम का लड़का है, एक बनारसी के झूठे केस में इसको फंसा दिया गया है। झूठे केस में? हाँ उधर कर सर बोलो। ये बनारसी के झूठे केस में फंस गया है, लेकिन ये बिल्कुल निर्दोष है। कैसे? कि बनारसी का हुआ कत्ल ये सच सच आज बताता हूँ। गफलत के लवरेज कहानी जज साहब तुम्हें सुनाता है, और ये दिखाई तो छोटा पड़ता लेकिन इसकी उम्र संवैधानिक अधिकारों से है। ये विदेश में सर पैसा कमाने के लिए गया था ये लड़का। हाँ और ये जिसका केस हुआ है बनारसी, इसका मित्र था लड़के का। हाँ तो उधर से जब आ रहा था, शाम का वक्त हो रहा था, तो सोचा कि पैसा धन मतलब भर का इसके पास में था, तो विचार किया है रात में जाना पैसा लेकर के ठीक नहीं, तो ना हो अपने मित्र के यहाँ ठहर जाए एक रात, इसने सोचा। हाँ फिर क्या हुआ? अब हुआ क्या, परदेशन से कमा के भीरू घर अपने जब आता है, अरे भीरू का था दोस्त बनारसी ठहर देखा सकते।
बैग में धन पैसा लाया था इस भीरू लड़के ने मुजलिम ने, फिर क्या हुआ? तो वो पैसा जब शाम को लेटने के लिए चला तो अपने मित्र बनारसी को दे दिया इस लड़के ने। हाँ, और ये कहा कि इसको आप अपने घर में सुरक्षित रख दो बैग, और जब सुबह हम अपने घर जाएंगे तो इसको ले लेंगे। अब जब बनारसी ने भीरू का बैग पाया इसके दोस्त ने, हाँ, और अंदर ले गया, तो उसके मन में विचार आया कि इसमें हम खोल के देखें है क्या। तो जब उसमें खोला तो बहुत सा पैसा धन था, और जब बहुत ढेर सारा धन था तो वो धन देख करके उस बनारसी के मन में लालच आ गया, और इस बच्चे के धन को हड़प करने के लिए उसने साजिश निकाली इसके दोस्त ने। हाँ, धन के खातिर बनारसी ने ऐसो जाल रचाया है। बनारसी ने विचार किया अगर इतना धन हमको मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊं। अब उसने काम एक क्या किया, कैसे? जिस रास्ते से भीरू को घर जाना था उस रास्ते में तीन लोगों को लगा दिया इसके दोस्त ने। हाँ, और तीन लोगों को लगा दिया और ये बता दिया कि बैग जिसके हाथ में हो उसी रास्ते पे मैं लेकर के आऊंगा, जिसके हाथ में बैग हो उसको तुम मार देना, बैग छीन लेना, और धन हमारा तुम्हारा आधा आधा बांट लिया जाएगा। हुआ क्या? क्या हुआ? धन की खातिर बनारसी ने ऐसो जाल रचायो है। तीन आदमी साथ में लेकर ऐसे कहीं समझाए गली से जाना था गांव से बाहर झाड़ियों में उनको छिपा दिया, और सुबेरे का जब चार बजा तो इस भीरू को जगाया कि भैया इतना पैसा आपके साथ है, सुबेरे के रे वक्त निकल जाओ नहीं तो दिनमा पैसा ले जाना, अच्छी बात नहीं होगी इसके मित्र ने कहा। हाँ, अब भीरू को जब जगाया तो भीरू जागा, कहा ठीक है भैया हम सुबह के चार बजे वक्त में निकल जाएंगे। अब भीरू आगे चला साथ में बनारसी भी, कहा कि ना हो चलो गांव लग पट्टे आए चले। ये साजिश थी, धोखा ये हुआ, धन का बैग हाथ में लेकर घर से हुए रवाना। जज साहब कुछ गौर करो तुम ध्यान जरा दे, रखवालों का ध्यान न रखना गफलत में मत खो जाना, और गफलत की लबरेत कहानी जज साहब। साथ में लिया बनारसी भी चला, लेकिन धोखा ये हो गया, जो धन वाला बैग भीरू के हाथ में होना चाहिए था वो धन वाला बैग बनारसी के हाथ में था इसके दोस्त के। हाँ, आज भी लोग देखो जब घर में आते हैं रिलेशन वाले तो लोग कहते हैं लाओ बस स्टॉप तक बैग हम पकड़े चले, फिर वहां से आप ले लेना। अब हुआ धोखा ये, भीरू आगे चला साथ में बनारसी तैयार हुआ, और लगे घात में तीन आदमी दोनों को घेर लिया। बहाना बरछी हाथ में लेकर अपना अपना वार किया, और छीन के धन को भाग गए जज साहब।
उन्होंने सोचा कि जिसके हाथ में बैग है हमारा मुजरिम हमारा कातिल वही है। अब भीरू के धोखे से उन्होंने सवेरे का 4 बजे था, साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, अब भीरू के धोखे में बनारसी को मार दिया। भीरू के धोखे से वाने बनारसी को मार दिया और तदा किया था संग भीरू के उसका ही फल पा गया। कई घंटों तक चली की चर्चा जज साहब हैरान हुए। कई घंटा हो गया बहस चल रही कोई नतीजा नहीं निकला। कई घंटे तक चली थी चर्चा बैरिस्टर घबराया है। भरा हुआ था कोट खचा खच रोष भीम का छाया है। टाइम हो गया, कोर्ट बंद हो गया, बहस अधूरी रह गई, नतीजा कुछ ना निकला। भाइयों कोर्ट का टाइम हो गया, कोर्ट बंद हो गया, बाबा साहब ने तारीख बढ़ा लिया और कहा चाचा तुम घबराना नहीं, घबराओ नहीं, आगे मैं और तारीख बढ़ा लूंगा, फैसला करूंगा, बहस करूंगा, घबराना नहीं, जाओ अगले दिन आना। धीरे धीरे करके वो दिन आ गया जिस दिन उस बच्चे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना था। जिस दिन उस ब्राह्मण के बच्चे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना था। गौर करना लोगों, आज उस ब्राह्मण बच्चे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना है लोगों। आप पूरी तरह से कोर्ट भरा हुआ था और पूरी तरह से कोर्ट भरा हुआ था। जल्ला दो आधे सर, जल्ला दो मुजरिम पीरू नाम लड़के को लाया जाए। भाइयों जज साहब ने आदेश किया है कि मुजरिम भीरू नाम के को अदालत में हाजिर किया जाए। मुजरिम को लाया गया। गौर करना, बाबा साहब घर गए तो बहुत मेहनत किया कैसे इसकी जान बचे। एक एक रात में 1,000 कानून की किताबों को पढ़ा है बैरिस्टर अंबेडकर ने। जल्ला दो यस। की आखिरी इच्छा पूछो क्या है, इससे पूछ लो आखिरी इच्छा। हर किसी को फांसी पर चढ़ने से पहले सर कहो सर। हाँ। बोलो, अपने पिताजी से मिलना चाहता है ये, मिलाया जाए। हर किसी को फांसी पर चढ़ने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, इसके पिता से मिला दो भाई। बीरू के पिता जहां कहीं हो जल्द से जल्द हाजिर हो। आज बूढ़ा बेचारा बाप था आया, लड़का कहने लगा पिताजी मुझे क्षमा कर दो, पिताजी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पिताजी मुझे बचा लो, बचा लो। किधर लाए घोटो बना परमाकी लाल की छूट गई थी बाबा का। बचा लो
इसे फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, समय पूरा हो रहा। चलो दूर हटा हटा दूर हटा दूर हट। सर मुझे कोई तहरीर नहीं देना, आप अपना फैसला सुनाएं। तो ठीक है। हाय दादा, वो ब्राह्मण कह रहा अंबेडकर तुम तो यो कह रहे हो कि हम बचा ले वो भैया अंबेडकर 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 आपने तो कहा था मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, और तुमसे अगर कुछ कहते भी हैं साहब तब हूँ, तुम कहा तो हमको कुछ कहने नहीं। अम्बेडकर अम्बेडकर मेरे लाल को बचा लो। कि हाथ जोड़ कर तुमसे बाबा और बिनती बारंबार, आज बचा लो मेरा राजकुमार।
डालो बाबा साहब। करके आसम घर से बाबा के लड़ा करके आया आसम बाबा मेरा केस लड़ा देना। एक लौटा बेटा है मेरा उसकी जान बचा देना। जो भी खर्चा पड़े कोट का देने को तैयार। आज बचा लो मेरा राज। जी सर, अभी भी वक्त है, अगर कोई तहरीर देना हो तो दे सकते हो। सर मुझे कोई तहरीर नहीं देना, अब अपना फैसला सुनाएं। ठीक है, जल्ला दो। जब मैं नंबर बोलूंगा तीन तो इसकी रस्सी खींच देना है। नंबर होता है एक, नंबर होता है दो, नंबर होता है सर एक मिनट। अरे लिखा जो इस फाइल में तेरे साहब जी तुम पाइए। इसमें लिखा है कि मुजरिम वीरू नाम लड़के को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल सही आपने लिखा सर। बोलो, आपका कथानक बिल्कुल सत्य हो चुका है। आप देख रहे हैं, आम जनमानस पूरी अदालत देख रही है कि मुजरिम वीरू नाम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा चुका है। आपका कथानक सत्य हो चुका है, इसको फांसी लग चुकी है। लेकिन सर
आपने इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि फांसी पे चढ़ा करके इसकी जान ले लिया जाए, तो कम से कम इसकी जान बचाया जाए, फांसी तो इसको लग चुकी है। जज साहब घबराए हैं, जज साहब घबराए, ये क्या हुआ सर? देख लो, आपके कथानक के अनुसार इस मुजलिम बीरू को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, इसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया है, आपका वचन सत्य हो चुका है, लेकिन आपने कहीं पर इस फाइल में ये नहीं लिखा है कि फांसी के फंदे पर चढ़ा करके इसकी जान ले लिया जाए, इसको मार दिया जाए, तो कम से कम इसकी जान बचाया जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से उस ब्राह्मण बच्चे को फांसी के फंदे से उतारा। बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की। तमाम सबूतों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम बीरू नाम लड़के को बाइज्जत बरी किया जाए। हमारे भैया नंदलाल जी के द्वारा 200 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान बाबा साहब अंबेडकर की वकालत पर, और इतना केस, इतना मेहनत से उन्होंने लड़ाई लड़ा, केस को सफा किया। देखो, तभी से कानून में बदलाव कर दिया गया, तभी से अब जिसको फांसी पर चढ़ाया जाता है तो आगे लिखा जाता है सजाए मौत, तभी से संशोधन हो गया कानून। दोनों बाबा साहब के पैरों में गिर गए, धन्य हो बाबा साहब। गुड़िया जी के द्वारा बहरी माऊ से 20 मुद्राओं का दान है। भाई लाल भैया जी के द्वारा कमेटी से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान बाबा साहब के वकालत पर भेंट कर रहे। अब तो बाबा साहब की वकालत दिन दूना रात चौगुना बढ़ गए। बाबा साहब के पैरों में गिर गया, धन्य हो बाबा साहब। और एक तराजू में हीरे जवाहरात रखा और एक तराजू में बैरिस्टर अंबेडकर को बिठाया गया और उसके बराबर बाबा साहब की वकालत नामा की फीस अदा किया। लोगों, धन्य हो गरीबों के मसीहा। देखो, हमारे किसी महापुरुष ने कभी जातवाद की लड़ाई नहीं लड़ाए। लोग कहते हैं अंबेडकर ने चमारों के लिए, महारों के लिए काम किया है, जात सूचक शब्द बोलते, लेकिन ऐसा नहीं। अंबेडकर ने किसी जातवाद की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर अंबेडकर ने जातवाद की लड़ाई लड़ी होती तो इस ब्राह्मण बच्चे को नहीं बचाते। लेकिन हमारे किसी महापुरुष ने जातवाद की लड़ाई नहीं लड़ी। लोग, बाबा साहब ने कहा जिसको विश्वास नहीं हमारा संविधान पढ़ो। मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। आर हुई गे हमार बाबा, हुई गे हमार, आर हुई गे हमार बाबा, हुई गे हमार, भीम भगवान हुई गे गुड़िया जी के यहाँ से जोधौरा से सादर 10 मुद्रा, नैन्सी बिटिया जी के द्वारा जोधौरा से 10 मुद्राओं का दान है। पढ़े लिखे महारो, अरे हुई गे हमार बाबा, हुई गे हमार, भीम भगवान हुई गे भगवान।
बाबा साहब जी बोले भगवान बुद्ध की। इस तरह से बाबा साहब ने उस केस को लड़ा और ये कहा, चाचा चाचा जी आप घबराइए नहीं, जाइए, जब लग बैरिस्टर अंबेडकर है तब लग इस बच्चे का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मैंने भी कानून को पढ़ा है, एक एक दिन में एक एक हजार कानून की किताबों को पढ़ा है, आप जाइए बेशक जाइए। ठीक है सर। ठीक है चाचा जी। देशराज भैया जी के द्वारा वाणी से 20 मुद्राओं का दान है। अब बाबा साहब की वकालत विदेशों तक चलने लगी, सभी लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं।